हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और टाइम हो गया है 10:02, तो अभी जस्ट उठे हैं, चाय वगैरह पी है। और आज मैंने एक बाथरूम का डीप क्लीन वीडियो भी अपलोड किया है। तो बस अभी ध्रुव भी उठ गया है वैसे तो, लेकिन अभी भी थोड़ा सा होता है ना, अच्छे से आँख नहीं खुली है वैसे उठ गया। और ध्रुव का दूध यहाँ पे मतलब मैंने रखा हुआ डाल के, और हम लोग चाय पी लिए। अभी अच्छे से उठ नहीं रहा। तो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हम लोग कहीं जाने वाले हैं। तो आप लोग को बताती हूँ हम कहाँ जाने वाले हैं। तो हमारे साथ कंटिन्यू ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और अभी आगे के जितने भी ब्लॉग्स हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। और तो चलिए फटाफट पहले मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ, झाड़ू लेके आई हूँ बाहर से, और उसके बाद गर्म पानी लगा लूँगी, मैं नहा लूँगी। तो ध्रुव भी पीछे अपने पापा के साथ सोया हुआ आज थोड़ा सा, और यहाँ पे मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू तो वैसे एक बार उठती तो हम ना उस टाइम मैं लगा देती थी, लेकिन एक बार अब और लगा दूँगी, क्योंकि उसके बाद फिर हम लोग कहीं जाने वाले हैं, और झाड़ू वगैरह फिर अच्छे से इनको ही निकालना पड़ेगा, हबी को। तो अभी एक बार मैं निकाल देती हूँ, थोड़ी सी एडजस्टिंग वगैरह साफ़ सफाई भी कर देती हूँ अच्छे से, क्योंकि बाद में फिर वही है ना, जेंट्स लोग कुछ अच्छे से नहीं कर पाते। तो वही है ना, एक बार ऐसे होता है कि जाने से पहले अच्छे से सारा घर अच्छे से साफ़ हो जाए, और उसके बाद जाए तो टेंशन फ्री हो जाता है बंदा कि एक बार तो सफाई हो गई है घर से। और गाइस, आज का ब्लॉग छोटा सा इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए कंटिन्यू ब्लॉग को एंजॉय कीजिए। और आज अभी मैं थोड़ा सा बालकनी से भी झाड़ू लगा देती हूँ, कि बाहर के टाइम में मतलब वैसे लगा देती हूँ, कभी कोई लगाता है कभी कोई लगा देता है, इतना कोई फिक्स नहीं होता किसी का भी हमारा बालकनी में झाड़ू वगैरह लगाना। लेकिन फिर भी ये होता है ना कि मैं तो मतलब अपनी मर्ज़ी से लगाती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं होती। और यहाँ पर सभी फ्लोर पर अपने अपने रूम बने हुए, तो ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरह से साफ़ सफाई रखना। अभी बस थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, क्योंकि पहले तो वही होता है ना, डस्टिंग वगैरह करने की कोई टेंशन नहीं होता था, कभी भी कर लो। लेकिन अभी मैं इसलिए टेंशन ले रही हूँ क्योंकि हमें टाइम से निकलना है जाने के लिए, और हमें निकलना है यहाँ से 12:30, तो उससे पहले पहले मुझे सारा काम क्लीन करना पड़ेगा। और यहाँ पर बस मैं हल्की फुल्की है डस्टिंग फिर भी करनी होती है, तो वो मैं डस्टिंग भी इसकी कम्प्लीटली कर देती हूँ। और वही होता है ना कि डेली डेली घर में काम करते रहो तो नहीं ज़्यादा पता चलता, अगर ज़्यादा मतलब ये होता है कि हम डेली नहीं कर पाते तो काम ज़्यादा बढ़ जाता है। और डेली डेली हल्का सा भी कपड़ा मार दो ना डस्टिंग का, तो ज़्यादा नहीं गंदा लगता। और यहाँ पे बस इस तरह से मैं थोड़ा सा इस तरह से साफ़ करती हूँ, साथ साथ में इसके पापा यहीं पे बैठे हुए तो बात कर रहे हैं और मेरे साथ।
अभी यहाँ पे थोड़ा सा बेड के जो ये कॉर्नर होते हैं इन पे भी मैं कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि इन पे भी कई बार ऐसे होता है ना, जब कपड़ा नहीं लगाते तो धूल मिट्टी जम जाती है, और एक मिनट ही लगी, ज़्यादा नहीं टाइम लगा। और अलमारी के ऊपर भी इस तरह से फिर हल्का हल्का कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि वो तो होता है कि डेली लगाते हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और यहाँ पर फटाफट से इस तरह से साफ़ हो गया, हल्का हल्का मतलब इस तरह से झाड़ू भी लगा दिया और थोड़ी सी डस्टिंग कर दी है, ज़्यादा तो डीप क्लीन नहीं। और बात करूँ, मैं वैसे वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि दो दिन पहले मैंने अच्छे से सर्फ वगैरह डाल के अच्छे से डीप क्लीन किया था बाथरूम, और पोछा भी नहीं लगाने वाली, क्योंकि बहुत अच्छे से साफ पड़ा है। तो इसकी वजह से मेरे को ना रूम सूखा सूखा ही अच्छा लगता है, तो सूखा है एकदम रूम अभी, और मशीन वगैरह भी नहीं लगानी। कल ध्रुव के जो कपड़े थे वो मैंने हाथ से वॉश कर लिए थे, क्योंकि कहीं जाना होता है ना तो उस दिन मैं थोड़े से कपड़े होते हैं जो पहले हाथ से वॉश कर लेती हूँ, मशीन से मैंने ड्राई कर लिए थे, वो भी सूखे। और बैग हमारा पैक हो गया, स्टैंड भी मुझे भी बैग में डालना है, और थोड़ा सा जो किचन मैसी हो गया थोड़ा सा किचन को कर लेती हूँ साफ। और रात को ही मैंने सब्जी थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना ली थी, क्योंकि मुझे पता था सुबह सुबह जल्दबाजी में सब्जी नहीं बनने वाली। और 1 बजे की हमारी बस है, और बस से जाने वाले हैं, और मैं और ध्रुव जाएंगे, इसके पापा नहीं जाने वाले। और बस आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो ब्लॉग को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको लास्ट में पता लग जाएगा। तो चलिए पहले फिर मैं किचन को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, और तब तक मेरा पानी भी गर्म हो जाएगा, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। हे गाइस, तो तैयार होते हुए मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर पाई, डायरेक्ट आप लोग देखिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं रास्ते का व्यू शेयर कर रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मेरे को यहाँ का, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ यहाँ का व्यू। हे गाइस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये है जलंधर का गुरुद्वारा। तो हम लोग आए हैं दीदी के घर, और यहाँ पे बस आप लोगों के साथ थोड़ा सा रास्ते का व्यू शेयर कर रही हूँ, और आप लोग मिल लीजिए, कंटिन्यू ब्लॉग को एंजॉय किया तो आप लोगों को पता चल जाए। हेलो एवरीवन, आप सबके ऐसे हो, आई होप आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग ब्लॉग कंटिन्यू वॉच करना, और आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ आए हैं। हम लोग आए हैं दीदी के पास, और आप लोगों को पता ही है जो मेरी सिस्टर, उनका चैनल है मोमेंट डॉटर नाम से, तो आप लोग यहाँ पर मैं उनका लिंक डालूँगी, तो आप प्लीज़ इनको चेकआउट कीजिएगा। और तो अभी बस हम लोग आए हैं और चाय वगैरह पी है। हेलो मुस्कान, हेलो हेलो। और इन्होंने तो आपको देखा ही होगा, मेरी भांजी मुस्कान, जो कि काफ़ी बार आप लोगों को दिखी होगी मोमन डॉट चैनल पे। तो बस अभी कंटिन्यू ब्लॉग को एंजॉय कीजिए।
गाइज तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे करती हूँ एंड, और आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक बाय। हेलो बोल दो सबको, क्या खा रहे हो आप, क्या है ये, बोलो। ग्रेप्स खा रहा हूँ मैं, ग्रेप्स ग्रेप्स हो जो व्हाइट।